हाय गाइस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाली हूँ फुकरा इंसान का जो नया गाना आया है फ्लाई हाई, उस गाने के ऊपर। सो गाइस, मुझे पता है कि आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि इस लड़की ने तो कल वीडियो बनाया था कि फुकरा इंसान का नया गाना ट्रैश है, तो फिर आज ये दोबारा वीडियो क्यों बना रही है और उनके गाने को ओपी क्यों बोल रही है। तो मैं आपको बता देती हूँ गाइस, मैंने जो कल उनके गाने को रोस्ट किया था वो मैंने इसलिए किया था क्योंकि मुझे काफी सारे लोगों ने बोला था कि प्लीज फुकरा इंसान का जो नया गाना आया है फ्लाई हाई, उसको आप रोस्ट कीजिए। इसीलिए मैंने वो वीडियो बनाया था, अदरवाइज कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि उनको गाने को मैं रोस्ट करूंगी। बट आज का ये जो वीडियो है वो मैं अपने लिए बना रही हूँ, मैं अपनी जो इस गाने को लेके ओपिनियन है वो आप लोगों तक तो पहुंचाना चाहती हूँ, इसीलिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। कल वाला जो वीडियो था वो मैंने ऑडियंस के लिए बनाया था क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था। सो यस, ये वाला वीडियो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें। ओके, सो मैंने यहाँ पे अपनी ईयरफोन ले ली है और अभी हम लोग इनके गाने को साथ में एंजॉय करने वाले हैं और साथ में सुनने वाले हैं। ओके, फुकरा इंसान प्रेजेंट्स फ्लाई हाई। ओ भाई, ओके, देखो दोस्तों, गाना शुरू नहीं हुआ है लेकिन एक चीज मैं जरूर बोलूंगी कि गाने में फुकरा इंसान ने सिर्फ अपने आप को अटेंशन नहीं दिया है, इन्होंने इनके जो रैपर है या जिन्होंने म्यूजिक इसमें ऐड किया है गाने में उसको भी पूरा महत्व दिया है। स्टार्टिंग में उनको भी दिखाया है, उनका भी नाम लिया गया है गाने में। मेरे को वो चीज बहुत अच्छी लगी, फुकरा इंसान के बारे में बहुत अच्छी लगी। गाड़ी रोहिणी से लाज पर घर पे बोल दिया आऊंगा मैं रात तक, हाईवे पे स्पीड लिमिट तोड़े गाड़ी मेरी टुल्ले सारे जानते ना गाड़ी रोहिणी आज। कुछ सेकंड्स का गाना हुआ है लेकिन ये कह सकती हूँ गाने का स्वैग लेवल तो मैं क्या बताऊँ, 101% है पूरा स्वैग, मतलब बहुत अच्छे से दिखाया गया है। स्टार्टिंग ही है गाने के लेकिन जो इन्होंने लिरिक्स डाले हैं कि भाई हमें तो पुलिस वाले भी नहीं रोकते, स्पीड लिमिट हम पार कर देते हैं अपनी गाड़ी चलाते हुए, वो वही स्वैग लेवल दिखा रहा है गाने का, एक नंबर। मारेंगे मैंने ये चीज भी बोली है, जो दूसरी लिरिक्स जो है उसमें भी स्वैग लेवल 101% है, जो इन्होंने बोला है कि भाई बाइकों पे हम गेड़ी मारेंगे लेकिन हेलमेट नहीं लगाएंगे, तो वो स्वैग लेवल दिखा रहा है भाई, एक नंबर। कुछ लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि गाड़ी में हेलमेट कौन लगाता है, तो मैं बता दूं कि गाड़ी में कार में हेलमेट लगाने की बात नहीं हो रही है, बाइक पे हेलमेट लगाने की बात हो रही है। आप पहले गाना ध्यान से सुने उसके बाद आप रोस्ट करें, पहले गाना ध्यान से सुने, जो कुछ लोग कर रहे थे उनके लिए है ये लाइन। कुंडी बंद नाइट से लगा फिर से दोस्त मेरे वही जिनसे नेबर सारे किल से, बैक ओवरलोड बोतले जो खड़की ऊपर चढ़े ठसा दे के बड़ी मुश्किल से, सेल्फ मेड किसी के आगे ना झुक रहा देखे कम। एक नंबर की बात कही है, कुछ लोग बोलते हैं कि ट्रिगर्ड इंसान की वजह से फुकरा इंसान आगे आए हैं, तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि अगर ट्रिगर्ड इंसान ने इनको प्रमोट कर भी दिया और अगर ये अच्छी वीडियोज नहीं बनाते तो इनकी वीडियोज कौन देखता है, ये बहुत अच्छी वीडियोज बनाते हैं इसीलिए अगर इनको ऑडियंस मिली भी है तो वो इनको रेगुलर देखती है और रेगुलर इनके व्यूज बढ़ते ही जा रहे, सब्सक्राइबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। और अब तो ट्रिगर्ड इंसान इनको प्रमोट भी नहीं करते हैं या इनकी बहुत ज्यादा स्टोरी भी नहीं लगाते, अपने चैनल पे भी इनके बारे में ज्यादा बात नहीं करते, बट स्टिल इनके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं क्योंकि ये इनकी खुद की वजह से बढ़ रहे हैं, इनकी खुद की अच्छी वीडियोस की वजह से बढ़ रहे हैं, उसमें ट्रिगर्ड इंसान का कोई हाथ नहीं है। शुरुआत में हो सकता है, कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ भाई शुरुआत में रह सकता है, बट जो अभी इनका जो बोल सकते हैं ना कि इतना आगे ये गए हैं वो अपने दम पर गए हैं, तो सेल्फ मेड तो ये है, ये चीज मैं बोलना चाहूंगी 100% है। ये जहाँ पे अभिषेक भैया ने ये जैकेट पहनी है उसमें ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, जो ये हाफ टी शर्ट है उसमें तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है मैं सच कहूंगी, बट ये जैकेट में बहुत अच्छे लग रहे हैं। और जो इनके साथ ये लड़की है, जो भी ये मॉडल है, ये बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है, इनकी ड्रेस भी काफी अच्छी लग रही है और दोनों साथ में काफी ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। ये तो एक नंबर की बात है, मोटे होते खर्चे तभी रहो हाई फाई तो ये है, वो तो हम मानते हैं पैसों से भी और वैसे भी नेचर से भी, ये चीज है। म्यूजिक तो काफी कमाल का है, मतलब म्यूजिक यार मैं क्या बोलूं, लिटरली काफी अच्छा म्यूजिक लग रहा है सुनने में, बस म्यूजिक भी होता ना मैं आराम से सुन लेती, गाने की जरूरत ही नहीं थी, गाना भी बढ़िया।
ये रैप है और रैप मैं क्या बोलूं भाई, बहुत अमेजिंग रैप है। जो बड़े बड़े रैपर्स होते हैं, जैसे बहुत जो बड़े बड़े रैपर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में, उनसे भी अच्छा रैप किया है इन रैपर्स ने। बहुत कमाल की रैप है, पूरी पंजाबी है, बट मेरे को समझ आ रही है, मैं सच बोलूंगी। इस बार मैंने क्योंकि ये गाना 3-4 बार सुन लिया है, तो अभी मेरे को समझ में आ गया कि इनके हर एक लिरिक्स का क्या मतलब। और सबसे अच्छी ये चीज है कि नीचे लिखा हुआ है लिरिक्स, तो जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो नीचे सभी पढ़ सकता है, और पढ़ के तो सबको समझ आ ही जाता है ना। तो वो एक बहुत पॉजिटिव चीज मेरे को लगी। रखे बॉडीगार्ड पर फिर भी चार गड्डियां करन सानू चेस। ओके, हम अपने पास बॉडीगार्ड ही रखते हैं, लेकिन फिर भी हमारी गाड़ियां यू नो हमारा पीछा करती रहती है, वो तो बहुत पॉजिटिव चीज है मेरे हिसाब से। इतने हट्टे कट्टे बंदों को, इतने स्ट्रांग लोगों को बॉडीगार्ड की जरूरत भी नहीं है। ये किसी के बॉडीगार्ड बन सकते हैं शायद, लेकिन इनके और ही बॉडीगार्ड बनेंगे तो ऑलरेडी इतने स्ट्रांग है सारे के सारे। सीधा बोल रखा है, हमसे पंगा लोगे तो भाई ट्रीटमेंट अब अच्छे से कर देंगे, अच्छे से सुधार देंगे सामने वाले को। वो बहुत सही चीज बोली है। कपड़े ब्रांडेड और महंगे फोन, मेरी फ्लाइट एमिरेट्स तेरी इंडिगो, है का शो ऑफ ब्लड जिवे साढ़े असी है गे ने पंजाबी। तो दिल्ली तो फ्लाई हाई सड़े मुझसे ईगल क्यों की करूं फ्लाई हाई मतलब मैं सच बोलूं, अभी गाना एंड होने वाला है तो एक चीज मैं जरूर बोलूंगी कि ऐसा कुछ नहीं है कि गाने में बहुत ज्यादा मुश्किल स्टेप किए हैं इन्होंने या बहुत ज्यादा डांस करके दिखाया है कि हम ये स्टेप रखेंगे, कोरियोग्राफ करेंगे ऐसे करके गाने को। ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग आपस में इंजॉय कर रहे हैं, कुछ ज्यादा मुश्किल स्टेप नहीं है, बस सिंपल सिंपल चीजें कर रहे हैं ऐसे ही, यू नो गाने को आपस में इंजॉय कर रहे हैं, तो वो चीज बहुत बढ़िया है। क्योंकि इनको आपस में इंजॉय करते देखते जो गाने सुन रहे हैं ना उनको भी बहुत मजा आएगा, तो ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं भाई आप हार्ड स्टेप्स डाल दो बहुत ज्यादा, यू नो बहुत कोरियोग्राफर्स को आप रख लो डांस सिखाने के लिए, वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती है। गाना एंजॉय करना चाहिए जो भी सुन रहा है उसको। तो मेरे हिसाब से मैंने तो बहुत एंजॉय किया और मुझे तो काफी अच्छा लगा, वीडियो भी एक नंबर। उल्टी करतूतों पे पढ़ते यहाँ चिटर है, बंदी अपनी सीट पर हम थोड़े से बिटर हैं, बचपन से पीछे वाली सीट बैठे फैंस खींचे आज मुझे जैसे कोई ट्रिगर है रहू। गाने में थोड़ी स्टोरी भी बता दी इन्होंने कि बचपन में हम कैसे यू नो स्कूल में हम पीछे वाली सीट पे बैठे रहते थे, ज्यादा बोलते नहीं थे, बातचीत नहीं करते थे, लेकिन अब देखो हमारे फैंस ही हमें इतना ज्यादा आगे लेके आए और आगे लेके जाते जा रहे हैं, यानी फैंस को धन्यवाद दिया गया है एक तरीके से। वो चीज मुझे बहुत पॉजिटिव लगी। कुछ लोग ऊंचे जब पहुंच जाते हैं लेवल पे तो भूल जाते हैं अपने फैंस को, जिन्होंने उनको आगे बढ़ाया उसको ही भूल जाते हैं, बट फुकरा इंसान वैसे नहीं है, उनको अपने फैंस याद है कि किन्होंने मेरे को आगे बढ़ने में हेल्प किया, तो उसका धन्यवाद कर रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। ना ईगो चढ़ी सर पे फिर भी एक्टरों के करियर खाऊं घर पे, घर से निकलना हुआ थोड़ा मुश्किल, देख मुझे जमा होते सड़कों पे लड़के। तुषार दीक्षित फिल्म्स, और यहाँ पे ये गाना हो चुका है एंड। और मैं सच बोल रही हूँ भाई, गाना एक नंबर का था। एंडिंग में जो था ना कि वो लड़की आई, उन्होंने फुकरा इंसान के कंधे पे ऐसे हाथ रखा, वो वाला चीज़ तो बहुत क्यूट लगा मुझे, और इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है सच बताऊँ तो। क्या बताइए, ये रियल में भी हम कुछ कह नहीं सकते, शायद ऐसा हो भी नहीं यार, ऐसा नहीं होगा मेरे हिसाब से तो नहीं है, बट अगर है भी तो जोड़ी बहुत कमाल की है और बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ में, और ये वाली चीज़ है। और गाने के थंबनेल की बात करूँ तो थंबनेल भी काफ़ी अच्छा है, फ्लाई हाई गाने का नाम रखा है तो वैसा ही थंबनेल भी लगाया गया है कि उन्होंने यू नो अपने पंख वंख लगा लिए हैं पूरे गाड़ी के पास, स्वैग लेवल तो भाई पूरा दिखा रहे हैं थंबनेल पे ही, तो वो वाली चीज़ है। और हाइप पहले से बनी हुई है गाने की, एक रियलिटी तो है कि हाइप पहले से बनी हुई है, तो गाना बहुत आगे जाएगा और गाना डिजर्व भी करता है गाइस। एक चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाइप ही बनी है, गाना डिजर्व भी करता है बहुत ज़्यादा आगे जाना। अभी तो ये ट्रेंडिंग पे आ रखा है, आई थिंक 14-15 नंबर पे ट्रेंडिंग पे है, बट मेरे हिसाब से बहुत जल्द ये फर्स्ट या सेकंड नंबर पे ट्रेंडिंग पे हो जाएगा।
वाली एक बात है, और मेरे हिसाब से फर्स्ट नंबर पे ट्रेंडिंग पे होना ही चाहिए और बहुत दिनों तक फर्स्ट पे चिपका रहना चाहिए जैसा ये गाना है। बहुत बढ़िया गाना है, एक नंबर का, और पूरी मेहनत दिख रही है कितनी ज़्यादा मेहनत की गई है। थंबनेल पे इतनी ज़्यादा मेहनत की गई है और वीडियो के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत की गई है सब लोगों की तरफ से, कोई किसी से कम नहीं है। रैप वाला एक नंबर, अभिषेक भैया एक नंबर, सारी वो जो मॉडल हैं वो भी बहुत अच्छा कर रही हैं, तो बहुत अच्छा गाना है। और कुल मिला के मैं यही कहूँगी, गाने का नाम बहुत अच्छा है, फ्लाई हाई, मतलब गाने का नाम आप सुनो, फ्लाई हाई, मतलब एक तरीके से मोटिवेट करने की कोशिश की जा रही है गाने के नाम से ही। कुछ इन्होंने बोला नहीं, बस दो वर्ड बोले हैं फ्लाई हाई, लेकिन उसमें भी एक तरीके का मोटिवेशन दिखाई दे रहा है कि कितना ज़्यादा मोटिवेट करना चाहते हैं उन सभी लोगों को जिनका गाना सुन रहे हैं। तो मैं तो एक्चुअली मोटिवेट हो चुकी हूँ गाना सुनने के बाद। आप लोग मोटिवेट हुए हैं या नहीं आप मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा ये गाना और मैं काफ़ी टाइम सुन भी चुकी हूँ फ्लाई हाई, फ्लाई हाई, और मेरे को याद भी हो चुका है ना, मेरे को गाना याद भी हो चुका है सच बताऊं तो। जबकि रैप पंजाबी में थी फिर भी मेरे को पंजाबी में भी याद हो चुका है रैप भी, तो ये वाली एक चीज़ है। और मेरे को लग रहा है मेरे को जल्द इस गाने पे डांस वीडियो बनाना पड़ेगा क्या देखते हैं। ओके सो यही मेरे ओपिनियन थे, ऑनेस्ट ओपिनियन थे। मेरे को गाना काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने बोला कि गाना काफ़ी अच्छा है। एक सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ कि गाना इंग्लिश में नहीं था, गाना हिंदी में था, वो चीज़ बहुत मेरे को बढ़िया लगी। आजकल सब लोग इंग्लिश में गाने बनाते हैं, हिंदी को कोई ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, बट फुकरा इंसान ने पूरा महत्व दिया है हिंदी लैंग्वेज को, हिंदी भाषा में इन्होंने गाना बनाया है। यहाँ तक कि पंजाबी इनकी मातृभाषा है तो उसको भी पूरा महत्व दिया गया है, राजभाषा प्लस मातृभाषा दोनों को बराबर महत्व दिया गया है, वो बहुत बड़ी चीज़ है ना। तो उस चीज़ के लिए तो भाई जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। लोग भूलते जा रहे हैं अपनी मातृभाषा को, राजभाषा को भूल रहे हैं, सिर्फ इंग्लिश पे ध्यान है, तो फुकरा इंसान ने बता दिया नहीं भाई देखो हिंदी में भी गाने बन सकते हैं, बढ़िया बन सकते हैं, अपनी मातृभाषा पंजाबी में भी रैप बन सकते हैं और बढ़िया बन सकते हैं। उस चीज़ के लिए जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ओके सो बस यही मेरे ओपिनियन थे इस गाने को लेकर, आपको क्या लगता है कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे सब लोगों को ये गाना काफ़ी अच्छा लगा है, मैंने कॉमेंट्स पढ़े थे फुकरा इंसान के और उन्होंने मेरी वीडियो पर भी कॉमेंट किया था, और बस यही चीज़ है कि वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लेते हैं सारी रोस्ट वीडियोस को, क्योंकि सारी रोस्ट वीडियो पे उन्होंने कमेंट किया था, तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा उनका नेचर है, कितने पॉजिटिव वो इंसान है। तो उसके लिए भी मैं उनकी बहुत तारीफ करने चाहूँगी और बहुत बढ़िया यार। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, चलिए थैंक यू सो मच।